बिस्मिल्लाम थ्री क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर टू द गोल्डन सन की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं पेज नंबर फिफ्टीन पार्ट ए ऑल कम्युनिकेशन पॉइंट नंबर वन लर्निंग द साउंड्स आवाजें सीखना सबसे पहले ये ब्लॉक पढ़ते हैं मी द लेटर्स ए आई ओ यू आर वॉवल्स ऑल अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स लेटर्स ए ई आई ओ यू वॉवल्स हैं इसके अलावा बाकी दूसरे लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल साउंडस हमने लॉन्ग और शॉर्ट वावल साउंड सीखनी है नोटिस द डिफरेंस इन द साउंडस ऑफ दीज वर्ड्स एंड प्रैक्टिस इन अल्फाज की साउंडस में फ़र्क को नोट करें और इनकी मशक करें एग्जाम्पल्स एच आई टी हिट वो तो इस इस जो इसमें शॉर्ट वावल साउंड है क्योंकि इसमें आई जो वॉवल है इसकी साउंड प्रोनाउंस नहीं हुई इसलिए ये शॉर्ट वाबल साउंड है इसी तरह एच ई ए टी हीट इसमें जो वाबल की साउंड है वो प्रोनाउंस हुई हैं इसलिए ये लॉन्ग वाबल साउंड है इसी तरह कैट कैट में ए की जो साउंड है वो प्रोनाउंस नहीं हुई इसलिए ये शॉर्ट वाबल साउंड है इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है कार्ड सी ए आर डी कार्ड ये लॉन्ग वावल साउंड है क्योंकि इसमें ए की साउंड प्रोनाउंस हुई है नेक्स्ट यहाँ पे वॉबल्स हैं ए ई आई ओ यू और साथ में इनके वर्ड्स हैं आइए इनमें शॉर्ट और लॉन्ग वावल साउंड्स देखते हैं एच ए टी हैट ये शॉर्ट वावल साउंड है और एच ए आर डी हार्ड ये लॉन्ग वावल साउंड है बी ई टी बेड शॉर्ट वावल साउंड है और बी डबल ई बी ये लॉन्ग वावल साउंड है इसी तरह इंक शॉर्ट वावल साउंड आइस लॉन्ग बाबल साउंड

बच्चों इंटोनेशन क्या है इसके बारे में हमने टू क्लास में भी पढ़ा है यहाँ पे ब्लॉक पढ़ते हैं इंटोनेशन इज द राइस एंड फॉल ऑफ वाइल स्पीकिंग इंटोनेशन बोलते वक्त आवाज़ के उतार और चढ़ाव को इंटोनेशन कहते हैं यस नो आंसर इंपॉर्टेंस गिवन टू आर सिलेबल आर वर्ड इज कॉल्ड स्ट्रेस किसी सिलेबल या वर्ड को इम्पोर्टेंस देना अहमियत देना स्ट्रेस कहलाता है इट हेल्प्स अस टू क्रिएट रिदम ऑफ स्पीच ये हमें बोलते वक़्त रिदम यानी कि सुर कायम करने में मदद देता है प्रैक्टिस द गिवन लाइंस, दी गई लाइंस की मशक करें कैन यू स्विम यहाँ पे आपने स्विम पे स्ट्रेस देना है और ये कैन यू से कैन यू जो है फॉल है और स्विम जो है अराइज है डू यू वर्क आर यू आर स्टूडेंट इज शी की आपने प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट है साइड वर्ड्स लर्न टू स्पीक fluently. अब नीचे दिए गए अल्फाज को आपने अरवानी के साथ पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ेंगे गोल्डन शाइन अर्थ गुड बाई गोल्डन शाइन अर्थ गुड नेक्स्ट है पेज सिक्सटीन पॉइंट नंबर थ्री डिस्कशन गुफ्तु गिवन बिलो इज एन एडवेस्टमेंट ऑफ कलर पेंसिल्स नीचे कलर पेंसिल्स का एक इश्तहार दिया गया है नोट द कलर्स एंड द मैसेज रिटर्न ऑन इट्स इन रंगों पर गौर करें और इन पर जो मैसेज लिखे गए हैं उन पर गौर करें इसके लिए बच्चों हम एक ब्लॉग पढ़ते हैं पहले पिक्चर को देख लें यहाँ पे स्टेबिलो लिखा गया है उसके बाद लिखा गया स्वान्स थर्टी सिक्स यू मे फोकस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स मंदरजे ऐल पॉइंट्स पर मंदरजैल निकात पर हम फोकस कर सकते हैं द कलर्स ऑफ द एडवर्समेंट इश्तार का रंग कौन सा है टाइप्स ऑफ पेंसल्स पेंसिल्स किस तरह की एक्शन ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों के एक्शंस पर हम गौर कर सकते हैं और इसी तरह बच्चों इन नकात पर हम, आप डिस्कशन कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पॉइंट नंबर थ्री रीड अलाउड फोनिक्स लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल्स प्रोनाउंस द वॉवल्स गीवन बिलो नीचे जो वावल्स दिए गए हैं उनको प्रोनाउंस करें बी ई डबल एल बेल ये शॉर्ट वावल साउंड है यहाँ पर आपने लिखना शॉर्ट इसी तरह रेड शॉर्ट वावल साउंड हीट लॉन्ग वावल साउंड फेल शॉर्ट वावल साउंड सीट लॉन्ग वावल साउंड बिन सिट लिट ये शॉर्ट वावल साउंड्स हैं काइट एंड पाइक लॉन्ग वावल साउंड्स हैं ब्लॉक्स पढ़ते हैं अ शॉर्ट वावल साउंड अकर्स वेन द लेटर इज नॉट प्रोनाउंसड द वे इट साउंड्स। शॉर्ट वावल साउंड उस वक़्त होती है जबकि लेटर में उसकी जो ओरिजिनल साउंड है वो प्रोनाउंस ना हो अ लॉन्ग वावल साउंड इज़ अ वावल साउंड दैट इज प्रोनाउंस द सेम वे एज द नेम ऑफ द लेटर इट्सल्फ और लॉन्ग वॉबल साउंड उस वक्त आती है जब लेटर की जो ओरिजिनल साउंड है वो प्रोनाउंस हो इसी तरह बच्चों लॉन्ग और शॉर्ट वॉब साउंड को आपने प्रोनाउंस करना है और सीखना है पेज सेवेंटीन पार्ट बी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आंसर दीज क्वेश्चन नंबर वन विच कलर है कौन सा रंग बयान किया गया है इन द टाइटल ऑफ द पोइम इस नजम के अनवान में एंड फाई और क्यों इस नजम के अनुसान में किस रंग को बयान किया गया है और क्यों आइए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं द गोल्डन कलर इज मैं इन द टाइटल ऑफ द पोइम इस नजम के अनुसान में सुनहरे रंग को बयान किया गया है बिकॉज क्योंकि दिस पोइम इज अबाउट द सन क्योंकि ये नज्म सूरज के बारे में है एंड द सन लुक्स लाइक गोल्डन कलर और सूरज सुनहरे रंग की तरह दिखाई देता है क्वेश्चन नंबर टू है सनलाइट इज़ अ ब्लेसिंग सूरज की जो रोशनी है एक नियमत है हाउ कैसे इसका आंसर देख लें बच्चों सनलाइट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाल माइटी सूरज की रोशनी अल्लाह अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है बिकॉज क्योंकि द लाइफ ऑफ ह्यूम्स एनिमल्स बर्ड्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन द सनलाइट लाइट क्योंकि इंसानों जानवरों परिंदों और पौधों की जिंदगी का इसार सूरज की रोशनी पर है क्वेश्चन नंबर थ्री वट द पोइट फील अबाउट द सन शायद सूरज के बारे में क्या महसूस करता है इसका आंसर बच्चों देख लें द पोइट ली नॉर नॉर हैट्रिक कहते हैं कि सन इज अ ग्रेट ब्लैसिंग ऑफ अल्लाह आलमाइटी के सूरज अल्लाह तला की एक अजीम नियमत है इट लुक्स ग्लोरियस ये बहुत ही शानदार नज़र आता है द सन एंड इट्स मैजिक रेस सूरज और इसकी जादुई जादु आर द लाइफ ऑफ एवरी प्लांट्स इस दुनिया में हर एक चीज की जिंदगी है जैसा कि और पौधों की को पढ़ें यूनिट पोईम गोल्डन सन और इसको गोल्डन सन पोईम के साथ कंपेयर करें तो आइए बच्चों पहले पोईम को पढ़ते हैं मून आई सा द मून विंट्री नाइट फ्लाइंग सो फास्ट आल सिलवरी नाइट मैंने चांद को देखा एक हवादार रात में बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ या बहुत तेज़ी से उड़ता हुआ पूरे चांदनी रात में द फ्रॉस्टी स्टार्स धीमे सितारे फेंट प्रेसिंग फास्टिंग हर ऑन एवर सो फास्ट धीमे सितारे तेज़ी से उसका ताकुब करते हुए हमेशा की तरह बहुत तेज तो बच्चों, दिस पोइम इज़ अबाउट द मून एंड द यूनिट्स पोइम गोल्डन सन इज़ अबाउट द सन बहुत सारे क्रिएटर्स ऑफ अल्लाह आलमाइटी दोनों ही अल्लाह तला की तख्लीक हैं पेज एटीन पार्ट सी लैंग्वेज फोकस बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद मीनिंग्स दिए गए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ेंट द नंबर ऑफ द सलेबस ऑफ दिज वर्ड्स और अल्फाज में सिलेबस की तादाद को लिखें बच्चों ये बहुत आसान है वर्ड्स हमें दिए गए हैं सिलेबल्स की तादाद हमने लिखनी है और इन सिलेबल्स को अलग अलग करके भी लिखना है इसके बाद हमने इनके मीनिंग्स याद करने हैं वर्ड है हमारे पास ग्रेट तो ये वन सिलेबल वर्ड है यहाँ पे आप वन लिखेंगे उसके साथ ग्रेट लिख देंगे इसके बाद मीनिंग है इसका ग्रैंड बिगर एंड लार्जर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्लोरियस ग्लोरियस थ्री सिलेबल वर्ड है जी एल ग्लो आर आई ओ यू एस ग्लोरियस इस तरह से बच्चों आपने इसके अरकान की तादाद अलग अलग करके लिखनी है नेक्स्ट आपने इसका मीनिंग देखना है वेरी ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत शानदार थर्ड वर्ड है हमारे पास मैजिक मैजिक टू सिलेबल वर्ड है इसका मतलब होता है स्पेल जादू करना नेक्स्ट है होल वन सिलेबल वर्ड है इसका मतलब होता है फुल यानी के पूरा कंप्लीट पॉइंट नंबर टू एंड लर्निंग टू स्पेल स्पेलिंग सीखें चूज द करेक्ट लेटर फ्रॉम द बॉक्स बॉक्स में से सही लफ्ज़ का इंतखाब करें ऑन द राइट टू कंप्लीट द वर्ड्स बिलो नीचे दिए गए अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए ईच लेटर कैन ओनली बी यूज वंस हर लफ्ज सिर्फ एक बार इस्तेमाल होगा तो ये बच्चों ये बहुत आसान है सबसे पहले अर्थ यहाँ पे ए लिखना है आपने ई ए आर टी एच अर्थ नेक्स्ट है मैजिक यहाँ पे आपने सी लिखना है नेक्स्ट है डिपेंड यहाँ पे आपने पी लिखना है और यहाँ पे है हेल्थ यहाँ पे एच मिस है आपने यहाँ पे एच लिखना है नेक्स्ट है एनर्जी जी मिस है आपने यहाँ पे जी लिखना है इसी तरह शाइन फ्लावर एंड वेलकम और लास्ट में है होल इस तरह से बच्चों आपने मिसिंग लेटर्स को फिल करना है नेक्स्ट है पॉइंट नंबर थ्री ग्रामर कंजक्शन यानी कि हरूफ अदफ़ कंजक्शन क्या होते हैं इसके लिए हम ये ब्लॉक पढ़ते हैं रीड मी आ कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज फॉर ज्वाइनिंग टूगेदर नाउन्स प्रोनाउंस नाउंस फ्रेजे फॉर एग्जाम्पल बट एंड और एंड बिकॉज कंजक्शन किसी लफ्स असम ज़मीर फ्रेज सेंटेंसेज को आपस में ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर कंजक्शन हमारे पास हैं बट एंड और एंड बिकॉज ये कंजक्शंस हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कंजक्शंस दिए गए जुमलों को पढ़ें और कंजक्शन के इस्तेमाल पर गौर करें रूबी एंड शैला वेंट फॉर शॉपिंग रूबी और शैला शॉपिंग पर गए यहाँ पे जो एंड है ये बच्चों कंजक्शन है नेक्स्ट है रूबी फेंट वॉन्टेड टू बाई अ शर्ट एंड अ स्काफ बट शी कुड नाट बाई दीज बिकॉज मुझे यहाँ पे हमने नोट करते रहना है यहाँ पे जो अंडर लाइन लफ्ज हैं जो अंडर लाइन है अल्फाज ये कंजक्शन वर्ड्स हैं एंड एंड बट बट शी कुड नाट बाई दीज बिकॉज यू डिड नाट हैव इनफ मनी रूबी एक शर्ट और एक स्कॉ खरीदना चाह रही थी लेकिन वो ये चीज़ें नहीं खरीद सकती थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे सो शी कुड बाई इधर आ स्काफ और आ शर्ट वो या तो एक स्काफ़ ख़रीद सकती थी या एक शर्ट अब यहाँ पे बच्चों मेंशन किया गया आल द अंडरलाइन वर्ड्स आर कंजक्शंस तमाम अंडरलाइन अल्फाज कंजक्शंस हैं फिल इन द ब्लैग्स विद सूटेबल कंजक्शंस मुनासिब कंजक्शंस लगाकर आपने ब्लैक्स को फिल करना है

दिए गए अल्फाज से नए अल्फाज बनाएं तो बच्चों एनाग्राम्स क्या होते हैं जो दिए गए अल्फाज के जो लेटर्स हैं उनको दोबारा से तरतीब देकर नए अल्फाज बनाए जाएं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल्स हैं बी आर ई ए के ब्रेक बी आर ई ए के इन्हीं लेटर्स को दोबारा से तरतीब देकर यहाँ पे जो नया वर्ड बनाया गया वो है बेकर इसी तरह से फ्लो इसके जो लेटर्स हैं उनको दोबारा से तरतीब देकर लफ्ज़ बनाया गया वुल्फ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे हाउ हू एट से ईट इसी तरह बच्चों अब हमने यहाँ पे दिए गए अल्फाज के नए अल्फास बनाने हैं ई ए आर ई आर आप यहाँ पे वर्ड बना सकते हैं ए आर ई आर इसी तरह एक्ट एक्ट को दोबारा से आप तरतीब देकर वर्ड बना सकते हैं कैट पैट टैप डैम डी एम को आप दोबारा से तरतीब देकर नया लफ्ज़ बना सकते हैं मैट एम ए टी मैट इसी तरह मग मग से जो नया लफ्ज़ हम बना सकते हैं वो है गम नाओ नाव से जो न्यू लफ्स क्रिएट हो सकता है बच्चों वो है फोन